वहीं पे आपने गाजीपुर में व्यवस्था की है कि आज व्हीलचेयर पे घूमने में उनको डर लगता है, आपको आपको पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी जी ने जो डायरेक्शन दिया, दिशा दी, उस समय मैं भी पुलिस में था और जो योगी जी ने दिशा दी वो पहले भी मिल सकती थी, लेकिन वो राजनीतिक संकल्प, वो योजना, वो ताकत किसी के अंदर नहीं थी जो योगी जी के अंदर है। और उसका आज परिणाम है कि एक ओर अपराधी जेल के अंदर है, थर थर कांप रहे हैं, और हमारे गाजीपुर तक एक्सप्रेस वे आ चुका है, विकास तेजी से हो रहा है और नई नए उद्योग आ रहे हैं। जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई फरवरी में, उसमें इतना बड़ा निवेश का संकल्प मिला और हमेशा वो संकल्प ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को, कानपुर को मिलता था, लेकिन वो इस बार एक तिहाई हिस्सा पूर्वांचल को उसको मिला है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ वो उसी से जुड़ी है। जैसे जैसे उद्योग हमारे पास आएंगे, हमारे पास अवसर भी होंगे, लेकिन उस अवसर का लाभ लेने के लिए हमको तैयारी करनी होगी और उसी तैयारी के लिए ये कार्यक्रम आज का आयोजित है। आज जनपद गाजीपुर में सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार जो भी बहन भाई एक कदम पीछे छूट रहे हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, इसके ऊपर विचार मंथन हुआ। अमृत काल में किस प्रकार समाज में सहभागिता आगे बढ़ेगी, इसके ऊपर विचार मंथन हुआ। और जो योजनाएं मोदी जी ने, योगी जी ने हमको दी हैं, उनको सब तक कैसे पहुँचाया जाए, इसकी योजना बनी। हमारे युवाओं ने इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया, उनकी हम सूची बना रहे हैं, ऐसे बच्चे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो कौशल विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि जो योजनाएं हम लेकर के आए हैं वो सही पात्र तक पहुँचे, उसमें किसी प्रकार का कोई वेस्टेज ना हो, कोई नुकसान ना हो और ना ही कोई हमारे टारगेट छूट जाए। योजनाएँ बहुत अच्छी हैं लेकिन उनको सही लोगों तक पहुँचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत आभारी हूँ पूरे गाजीपुर के प्रशासन का, अपने राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का, साथियों का, कि आज ये सुंदर आयोजन किया गया और इसकी सफलता यूँ होगी कि कम से कम 150 बच्चों को, बच्चियों को हम लोग स्वावलंबन की ओर, कौशल विकास की ओर, अच्छी शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं। NDA का मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, यानी ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्य जिससे कि हर व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा पाएं, गरीबी को हटा पाएं। और इंडिया का एक ही उद्देश्य है कि मोदी हटाओ, तो जहां मोदी जी पूरे देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के पास कोई योजना नहीं है सिवाय मोदी जी का विरोध करना। ये भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, इसको देख रही है और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज पूरे देश की राजनीति वोट बैंक पे आधारित नहीं है, काम पे आधारित है। आज योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, क्योंकि उनके काम को देखते हुए। यही गाजीपुर में जहाँ पे माफिया का राज हुआ करता था, आज यहाँ पे सुरक्षा का माहौल है, एक्सप्रेसवे आ चुका है, इंडस्ट्री आ रही है, उसी के लिए हम लोग कौशल विकास करा रहे हैं बच्चों का, तो बिल्कुल व्यवस्थाएँ बदल चुकी हैं। और बदली हुई व्यवस्था में, बदले हुए माहौल में आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी या NDA मजबूत हुआ है, गाजीपुर में भी मजबूत हुआ है, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के आने से और मजबूती हम लोग को मिली है। तो इंडिया और NDA का की कोई तुलना नहीं है, एक विकास के लिए है, एक केवल विरोध के लिए है ना। ये हमें देखना है कि NDA के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो हमारी नीतियाँ हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है और सबको जोड़ने के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व काम करता है और उसी के लिए हम लोग काम करेंगे।